एंट्रेंस टेस्ट का सेकंड पार्ट है टीचिंग पोटेंशियल, 30 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ये मेन पार्ट है और इसमें सबसे ज्यादा आप गेन कर सकते हो अगर आप टीचिंग के सेंट्रल आइडियाज को समझ जाओ। तो इसका सिलेबस क्या है, कौन से क्वेश्चन आएंगे उसको देख सकते हैं, नॉलेज अबाउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सिस्टम इंक्लूडिंग नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एजुकेशन ऑडियो विजुअल एड मास मीडिया वैल्यूज इन कॉन्स्टिट्यूशन जनरल अवेयरनेस नेशनल लेवल ऑफ एजुकेशनल एजेंसीज। यहाँ पर थोड़ा सा रुक के बताना चाहूंगा कि जो नेशनल लेवल की एजेंसीज है ये जीके के ये क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, उसमें भी आएंगे और इसमें भी आएंगे। दैट इज वाई इन पर सेपरेट वीडियो, डिफरेंट वीडियो हैं, एनसीटी यूजीसी एनसीईआरटी स्वयं स्वयं प्रभा दीक्षा निष्ठा, ये लार्ज नंबर ऑफ वीडियो जो है इनिशिएटिव गवर्नमेंट के और नेशनल एजुकेशनल एजेंसीज, इन पर डिफरेंट है क्योंकि ये ज्यादा पार्ट कवर करता है। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड एंड टीचर्स पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एडजस्टमेंट क्लासरूम प्रॉब्लम्स ऑफ लर्नर एंड देयर सॉल्यूशंस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिलेशन विद कोलीग्स, है ना, टीचर के उनके साथ संबंध कैसे होने हैं। तो ये सिलेबस है। लास्ट में एक दो और है, एग्जामिनेशन एवेल्युएशन असेसमेंट लाइब्रेरी यूसेज स्कूल एंड सोसाइटी। तो इनको डिवीजन करके ये सेट तैयार किए हैं जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग पोटेंशियल का, विद्यालय की प्राथमिक भूमिका क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ स्कूल टू टीच टू स्टूडेंट्स, यस है, इसको टिक करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लूं यहां पर, हाँ ये है, छोटा टिक लगाया है कि आगे बेटर रिजल्ट आता है क्योंकि टीच करना है। क्या इससे बड़ा आंसर इसमें है, टू ऑर्गेनाइज गुड एक्टिविटीज, यस गुड एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना भी है, यहां भी बड़ा टिक लग गया। टू डिलीवर क्वालिटी एजुकेशन, अब सिर्फ टीच और एक्टिविटीज ये भी है और ये क्वालिटी एजुकेशन, अब इनमें से देखिए कि सबसे बड़ा कंसेप्ट क्या है, कि स्कूल कॉम्प्रिहेंसिव एम कौन सा है। तो अभी तक ये दिखाई दे रहा है, मैंने तीन गुना इसको बेटर समझा, दैट इज वाई इसको टिक लगा दिया। टू ऑर्गेनाइज फील्ड ट्रिप, तो ये भी ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन ठीक हैं, लेकिन ये पार्ट है, पी फॉर पार्ट, ये भी पार्ट है स्कूल एजुकेशन, ये भी पार्ट है, लेकिन होलिस्टिक आंसर ये है, दैट इज वाई इसको टिक लगाएंगे, फर्स्ट राइट आंसर सी है इसका। निम्नलिखित में से कौन सी स्कूल की भूमिका नहीं है, नॉट बड़ा करके दिया है, गुड, और इसको अनसर्कल कर लेंगे, फोकस करना है। फोस्टरिंग सोशल स्किल्स, यस है, अच्छा है, इन्होंने नॉट लिखा है, ये है, मैं टिक लगा रहा हूं कि यस है। प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, तीन, क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये लाइफ स्किल का पार्ट है, तो ये भी बिल्कुल है। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, देखो मिड डे मील का आप यहां भटक सकते हो, लेकिन ये क्या प्राइमरी पर्पस है जिस पर फोकस करना है, हेल्थ पर, हेल्थ एजुकेशन का पार्ट है, फिजिकल एजुकेशन पार्ट है, लेकिन इसके मुकाबले ये वीक पॉइंट है, थोड़ा सा टिक लगाएंगे। डेवलपिंग क्रिएटिविटी, यहां क्रिटिकल थिंकिंग आ गया, ये भी आ गया, ये बेस्ट है। तो जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है प्राइमरली। हाँ, अपनी हेल्थ का क्या केयर कैसे करनी है, वो बात, वो एजुकेशन का पार्ट है, वो इसमें जरूर रहेगी, दैट इज वाई छोटा सा टिक लगाया है। और यहां पर नॉट है, नॉट इस पर इससे कवर हो रहा है, ये भी बेस्ट जो आंसर है ये ढूंढना है। बेस्ट आंसर क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें सारे क्वेश्चन के आंसर सही होते हैं, कोई भी गलत नहीं होता, तो उनमें से बेस्ट कौन सा है वो निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्रिएटिंग एन इफेक्टिव क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट, ऊपर चलेंगे, ये इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेंगे, यहां पर ये हो गया। अब देखना है क्लासरूम एनवायरनमेंट, क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट, ये है ना, अंडरलाइन में निकल लिया। प्रोवाइडिंग गुड होमवर्क, क्या होमवर्क प्रोवाइड करना क्लासरूम का एनवायरनमेंट है, वैसे उसका पार्ट, एक पार्ट हो सकता है, बहुत छोटा सा टिक लगेगा। प्रमोटिंग पॉजिटिव क्लासरूम कल्चर, नंबर एक पॉजिटिव, इसको करेंगे, यस बिल्कुल टिक, और क्लासरूम आ गया और कल्चर आ गया, कल्चर बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि क्या
क्लासरूम में एक्टिविटीज है, क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या हैबिट्स हैं, क्या डिसिप्लिन है, ये सारा कल्चर में आ रहा है। तो यहाँ पर बड़ा टिक लग रहा है। एनकरेजिंग इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन, अब आपको लगेगा कॉम्पिटिशन भी करना है, लेकिन नहीं। अब जो वर्ल्ड वाइड स्कूल क्लासरूम या एजुकेशन में क्या जोर दिया जा रहा है, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, ओके। तो ये राइट आंसर है, कॉम्पिटिशन प्राइमरली राइट आंसर नहीं है। फोकसिंग ऑन लेक्चरिंग है ना, तो यहां जाके दोनों का बात बता देता हूं कि कॉम्पिटिशन और उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए ये गोल है और ये पर्सन है ए और ये पर्सन है बी, और ये गोल अगर ये मिलके अचीव करते हैं, अगर मिलके अचीव करते हैं है ना, एक दूसरे की हेल्प करके अचीव करते हैं, तो ये हो गया कोऑपरेशन, ओके। अगर ये एक दूसरे का विरोध करके, एक दूसरे का विरोध करते हैं, मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं तुझे से आगे बढ़ जाऊंगा, तो ये हो गया कंपटीशन। दूसरा वर्ड लेक्चर है, लेक्चर में क्या है, ये हो गए टीचर साहबान और ये आप बैठ गए जहां स्टूडेंट्स बैठ गए। लेक्चर क्यों नेगेटिव या रॉन्ग ऑप्शन होती है, क्योंकि लेक्चर में वर्ड्स बोलने हैं, इन्होंने ये बोले इधर को गए, और ये वन वे प्रोसेस है, ये एरो बताता है वन वे प्रोसेस, ओके। जो राइट आंसर है आपका वो दिए देखना है, वन वे प्रोसेस वाला वीक ही ऑप्शन होगा, इसको रिजेक्ट करना है, ये सही नहीं होगा। अगर कोई एक्टिविटी ऐसे है जैसे ग्रुप डिस्कशन है या डिस्कशन है, तो इनमें टीचर भी बोल रहा है और बच्चा भी बोल रहा है, क्वेश्चनिंग भी हो रही है, ये इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन वाली एक्टिविटी में जो टू वे प्रोसेस हो गई, टू वे प्रोसेस ऑलवेज राइट आंसर, जहां बेटर आंसर होगा। दैट इज वाई सी एंड डी हमने यहां डिस्करेज किए हैं और बी इज राइट आंसर। विच टीचिंग मेथड एनकरेज एक्टिविटी स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट, लेक्चर बेस्ड, अभी आया ना लेक्चर बेस्ड, हमने पिछली नॉलेज के बेस पर, क्योंकि ये वन वे है, दैट इज वाई इसको डिस्करेज कर दिया, छोटा सा कांटा लगा दिया। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, अब ये शायद हमको पता नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क लगा लिया। मेमोराइजिंग ऑलवेज डिस्करेज्ड, हाँ इसको भी रॉन्ग कर दिया। रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन एंड रोट लर्निंग दोनों का मीनिंग क्या बन रहा है, कि आप जो काम कर रहे हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, समझ के करना जरूरी है, रीजनिंग से जरूरी है, दैट इज वाई ये निकल गए। अब राइट आंसर यहां बच रहा है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का आंसर हमेशा ही ठीक होगा, इवन पीटेट सीटेट कोई भी आप टीईटी दे रहे, यूजीसी नेट है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा अप्रोच अब सुजेस्ट की जा रही है, इवन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सुजेस्ट है, क्या ये समझ लीजिए। बच्चे को रियलिस्टिक सिचुएशन में लेके जाते हो, आप रोड रूल पढ़ा रहे हो, रोड पर लेके जा रहे हो, जहां उनको रियल प्रॉब्लम दे रहे हो, रियल में वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और कॉग्निटिव एंगेजमेंट इंक्वायरी साथ साथ में कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन है, मेटाकॉग्निशन है, ये वर्ड सारे ही पॉजिटिव और राइट आंसर होंगे, इनके मीनिंग आगे वाली वीडियो में करेंगे। तो हमारी क्लासरूम टीचिंग है वो क्लासरूम में है, वो आर्टिफिशियल, ये उसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं इंक्वायरी पेडागोजी की। तो हमारे, हम रियल प्रॉब्लम नहीं देते, हम मैथ्स टीच कर रहे हैं, रियल प्रॉब्लम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी गोल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट आ गया। डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, यस है। पहले ये समझ ले कि फॉर्मल एजुकेशन क्या है। जब भी फॉर्मल शब्द आता है, आप स्कूल को याद कर लीजिए, यूनिवर्सिटी को याद कर लीजिए, कॉलेज को याद कर लीजिए, ये सारे फॉर्मल सिस्टम हैं। फॉर्मल सिस्टम में स्पेसिफिक एम होगा, टाइम होगा, पीरियड लगेंगे, सिलेबस होगा, और इवेल्युएशन होगी, रिजिड टाइमली इवेल्युएशन होगी, और रिजल्ट होगा, सर्टिफिकेशन होगी, ये फॉर्मल सिस्टम है। डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, यस ऐसा करना है। एक्वायरिंग टेक्निकल स्किल, थोड़ा सा है भी, टेक्निकल कोर्स भी होते हैं जब टेक्निकल स्किल थोड़ी टिक जीरो नहीं कर सकते। प्रमोटिंग सोशलाइजेशन, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये ए मतलब WHO ने 10 लाइफ स्किल दी है और इसमें हमारे ऑप्शन में एक लाइफ स्किल है, और सोशलाइजेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव। क्या है सोशलाइजेशन, कि आप जो सोसाइटी के, ग्रुप के, परिवार के है ना, गुरुद्वारे मंदिर के
स्कूल के जो नियम हैं उनकी पालना करते हो, उनको अपने अंदर ढाल चुके हो। एनहांसिंग क्रिएटिविटी, जैसे ये एक है, ये एक है, ये भी एक है, तो राइट आंसर हम बेस्ट आंसर चूज कर रहे हैं सोशलाइजेशन को। टर्म पेडागोजी रेफर टू स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटजीज, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, एजुकेशनल साइकोलॉजी। पर हिंदी में पढ़े तो इसका साफ आपको शायद हिंट मिल जाएगा। शिक्षा शास्त्र है ना यहाँ पर, और शिक्षा कहाँ कहाँ आ रहा है, ये शिक्षण यहाँ आ रहा है, ये शैक्षिक ये यहाँ आ रहा है, और इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। इट मीन्स अगर आपको नॉलेज नहीं थी हिंदी में, गए आपने दो डिलीट कर दिए, इन दोनों में से एक है। राइट आंसर है टीचिंग, साइंस ऑफ टीचिंग, पेडागॉजी में, बीएड में आपने चूज करने हैं पेडागॉजिकल सब्जेक्ट, उसको पहले क्या कहते थे, टीचिंग सब्जेक्ट, इतने से आप लर्न कर सकते हो। व्हाट इज द टारगेट ईयर सेट बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉर अचीविंग यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसकी फुल फॉर्म FLN पूछी जा सकती है। तो राइट आंसर ये फैक्चुअल है, इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं होगी। तो 2025 तक इसको अचीव करना है। अकॉर्डिंग टू NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, किसने बनाना है, NCERT ने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 2023 पिस्टिक वैल्यू रेफर्स टू, आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, हिंदी में चलिए आपको आसान हो जाएगा। NCF 2023 के अनुसार ज्ञान मीमांसा मूल्यों का तात्पर्य है एक नैतिकता और नैतिकता से जुड़े मूल्य, लोकतांत्रिक भागीदारी से संबंधित मूल्य, ज्ञान और साक्ष्य के बारे में मूल्य, सकारात्मक कार्य नीति से जुड़े मूल्य। अब क्या हो गया, एक नुक्ता बता रहा हूं, वैसे एपिस्टिम ये जो शब्द है, अगर फिलॉसफी आप पढ़ो, फिलॉसफी की तीन ब्रांचेस हैं, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। तो एपिस्टेमोलॉजी, वहां से ये शब्द आया है, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ साइंस ऑफ नॉलेज, है ना। तो ये तो होगी नॉलेज की बात, लेकिन अगर आपने रीजनिंग से पहुंचना है तो यहां भी ज्ञान शब्द आ रहा है, और सिर्फ यहां ज्ञान आ रहा है, बाकी किसी में ज्ञान नहीं आ रहा, तो सी को राइट आंसर लगा देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यस होते हैं, आपने करिकुलम अगर देखा है तो ऑब्जेक्टिव उसमें होते हैं ना, हर सिलेबस में। तो टीचिंग मेथड सुजेस्ट किए होते हैं, बिल्कुल। असेसमेंट स्ट्रेटजीज, यस, कैसे बच्चे को इवेल्युएट करना है। पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस, ये नहीं होता। टीचर हु अडॉप्ट्स ए स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन इज लाइकली टू, दो बातें यहां पर समझ लीजिए। पहली बात है कि स्टूडेंट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर, इस अप्रोच को राइट रिस्पॉन्स समझना है अगर ऐसी ऑप्शन बीच में है। दूसरी बात है, इंस्ट्रक्शन का मतलब अगर नहीं समझ आता तो टीचिंग समझ लेना है इंस्ट्रक्शन का मतलब। अच्छा ये क्या है, अडॉप्ट स्टूडेंट सेंटर, इसमें से कौन सी है। अब हमने किया है यूज लेक्चर बेस्ड टीचिंग, अब ये हो गया, क्योंकि ये वन वे प्रोसेस है, इधर से इधर को ज्ञान जा रहा है, इधर से कुछ क्वेश्चनिंग नहीं आ रही, तो इसको रिजेक्ट कर दिया। फोकस ऑन मेमोराइजेशन एंड रोट मेमोरी, ये भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नहीं है, पीछे बात कर रहे हैं। फैसिलिटेट एक्टिव लर्निंग एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट, मैं आपको वर्ड बता रहा हूं किस पर फोकस करना है, एक्टिव लर्निंग, ये बेस्ट आंसर है, और एंगेजमेंट, एक्टिव लर्निंग है, तो ये एकदम उस पर फोकस करके देखिए कि ये बेस्ट आंसर बन रहा है, एक्टिव लर्निंग ही चाहिए। एम्फेसिस डिसिप्लिन एंड रूल्स, नहीं, जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं है वो रूल्स भी स्टूडेंट्स द्वारा बनाए जाएं, इस पर जोर देता है। नेक्स्ट है, of the following is example of authentic assessment, authentic word constructivism, constructivism में एक ऐसा school of thought, school of learning है, जिसमें प्याजे वाइगोस्की, आप बीएड में जो भी आप टेस्ट दे रहे हो उसमें पढ़ोगे बार बार, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आएंगे। authentic mean really applicable on real problem, ये दो तीन जो अप्लाई हो सके रियल में, आप कोई टास्क मिला है रियल और उस टास्क को कंप्लीट कर सको, जैसे इंक्वायरी पेडागोजी में करके आए हैं, तो उसी कंस्ट्रक्टिविज्म में ये शब्द यूज किए जाते हैं, और वर्ल्ड वाइड और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये वर्ड यूज किए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑथेंटिक असेसमेंट कौन सी होगी, तो मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको लगता है ये क्वेश्चन पूछे हैं और यहाँ पर रियल एप्लीकेशन है,
एक अच्छा टीचर शायद उसको ये क्वेश्चन आते हो, लेकिन जिसको जिसने ये सॉल्व कर लिए उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज नॉट रियलिस्टिक कि जिसने चार में से एक अच्छा ढूंढ लिया वो अच्छा टीचर होगा। नहीं, ये तो सिर्फ रीजनिंग टेस्ट है, लैंग्वेज टेस्ट है। ओके, ऐसे ही जैसे चार ऑप्शन है यहां पर दो ऑप्शन है तो ये भी गलत हो गया, रियलिस्टिक नहीं है। क्या ट्रू फॉल्स से कि आपकी लाइफ की रियल प्रॉब्लम ट्रू फॉल्स है या मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ प्रॉब्लम है या फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी नहीं है। तो आपकी प्रॉब्लम ऐसे टाइप के साथ है, ऐसे रियली आपको लिखना पड़ सकता है, एप्लीकेशन लिखनी पड़ सकती है। आपको किसी को समझाने या बोलने के लिए लैंग्वेज के सेंटेंस और आइडियाज चाहिए, तो वो सिचुएशन के मुताबिक चाहिए, उसको किसी बुक में से याद नहीं करोगे। तो दैट इज व्हाई दिस इज मोस्ट ऑथेंटिक अगर ऐसे राइटिंग है तो अप्लाई कर लीजिए। क्या ये रियलिस्टिक है, पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स होगा, यस एप्लीकेशन ऑफ जो लैंग्वेज स्किल्स है उसमें होगी। टास्क कंप्लीट करना है, यस इसमें करना है। बाकियों में कंपेयर करके देखिए। औपचारिक शिक्षा क्या है, व्हाट इज नॉन फॉर्मल, तीन तरह के एजुकेशन है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। एक नॉन फॉर्मल, एक इनफॉर्मल, एक फॉर्मल। फॉर्मल मैं बताया हूं उसकी आपने याद रखनी है स्कूल एग्जाम्पल, और इनफॉर्मल की याद रखनी है फैमिली। इधर कर दूं, तीन तरह की फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल की एग्जाम्पल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नॉन फॉर्मल की आपकी नॉन का ओ है ना, ओ निकाल लीजिए, ओपन एजुकेशन। ओपन क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस, सीसी आप करते हो, है ना। ये एग्जांपल नॉन फॉर्मल की है, और भी एग्जांपल है वो अलग से। अगर आप कहोगे कि सर इनमें डिफरेंस करवा दीजिए एग्जांपल और क्वेश्चन, तो डिफरेंट वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना। इनफॉर्मल है के फ्रेंड्स, पियर्स, सोसाइटी। डिफरेंस क्या है, यहां पर लर्निंग का टाइम होगा, बड़े डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो यहां पर लर्निंग का कोई टाइम नहीं है, आप सोने लगे हो, आप फिल्म देखने लगे हो, कहीं जा रहे हो तो कहीं भी सीख सकते हो, है ना, लर्न कर सकते हो। तो यहां पर जो है टाइम भी होगा लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, यहां पर रिजिड टाइम होगा। ये इंटेंशनल है, इरादा है, प्लान्ड है, स्ट्रक्चर है, डिफरेंट वीडियो में मीनिंग करेंगे। और ये बिल्कुल उल्ट है, इंटेंशनल नहीं है, एक्सीडेंशियल है, बाय चांस हो गया, बाय चांस सीख लिया, प्लान्ड है, अनकॉन्शियस है। तो ये मिडिल वाला पार्ट है, थोड़ा स्ट्रक्चर है, थोड़ी प्लानिंग है, थोड़ा ये मिक्सचर है। क्या है, बट इज नॉन फॉर्मल, अनस्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल एक्टिविटीज। स्ट्रक्चर है तो ये इनफॉर्मल हो जाएगी, फॉर्मल लर्निंग आउटसाइड स्कूल, ये फिर इनफॉर्मल हो गई, नॉन फॉर्मल नहीं है, ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। स्ट्रक्चर्ड यस है, अब फॉर्मल भी है, नॉन फॉर्मल भी है। एजुकेशनल एक्टिविटीज आउटसाइड द स्कूल, अब आउटसाइड द स्कूल, अगर इनसाइड द स्कूल होती तो ये फॉर्मल हो जानी थी, अब आउटसाइड द स्कूल है तो इसको टिक लग रहा है। इनफॉर्मल लर्निंग विद इन स्कूल, नहीं ये भी इनफॉर्मल आ रही है। द प्राइमरी गोल ऑफ ओपन एजुकेशन टू इंक्रीज द असेस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, मैं इंपॉर्टेंट वर्ड बताने लगा हूं, असेस बार बार आएगा, पर हिंदी में है पहुंच। शिक्षा को हर हालत में बच्चे तक पहुंचना है, जब बच्चे को उठा के शिक्षा तक लाना है, स्कूल तक लाना है, ये बात है। वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से जाएं या फिजिकली जाएं, ये बात अलग है। तो ये बेस्ट है ओपन का, ये अभी तक का बेस्ट है, इसे आगे देखते हैं। तो प्रमोट ट्रेडिशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नहीं अब तो स्वयं प्रभा, ये तो मॉडर्न सिस्टम है ना, तो यहां पर गलत हो गया। टू प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम, नहीं ये बिल्कुल नहीं है। टू डेवलप एजुकेशनल रिसोर्स, अब देखिए एजुकेशनल रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स भी है, मटेरियल रिसोर्स है, लर्निंग रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स है, उनको डेवलप करना, इसका ये तो इकोनॉमी की बात आ रही है, तो यहां पर गलत है। तो बेस्ट इज दिस वर्ड असेस। वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एस्टेब्लिश्ड, इसकी फुल फॉर्म ऐसे पूछी जा सकती है। राइट आंसर यहां पर है नवंबर 1989। Of the following is a common problem faced by learner in classroom: lack of motivation, excessive knowledge, overconfidence, lack of resources. अब जब ऐसे सोचना है तो आपने गवर्नमेंट प्राइवेट सारे स्कूल देखने हैं, उसमें कॉमन क्या है? तो क्या एक्सेसिव नॉलेज सभी में है? कई स्कूलों में कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता,
टीचर बेचारे उनको नहीं कुछ आता तो ये नहीं बनेगा। ओवर कॉन्फिडेंस की क्या सारे बच्चे जहाँ ओवर कॉन्फिडेंस वाले हैं, ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, ऐसे सोचना है। लैक ऑफ रिसोर्सेज मतलब के ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ब्लैक बोर्ड है, चौक है, बेंचेस है, ये रिसोर्सेज हैं, है ना, लर्निंग रिसोर्सेज और भी कई हो सकते हैं, डिजिटल रिसोर्स, ये बोर्ड है डिजिटल। अच्छा, कई स्कूल्स में है और कई में नहीं है, इवन गवर्नमेंट में अब है, तो लैक ऑफ रिसोर्स नहीं कहा जा सकता। लार्जली क्या है, इट मीन्स लार्जली बच रहा है मोटिवेशन। किसी ने आपको, आपने कभी कहा है कि यार मैंने क्लासरूम में जाना है, मेरा क्लासरूम में जाने को जी चाहता है, कि ऐसा कहते हो कि मुझे फिल्म देखने को, मोबाइल पर गेम खेलने को, ग्राउंड में जाने को जी चाहता, इट मीन्स मोटिवेशन उधर के लिए है। तो क्लासरूम में जाने के लिए मोटिवेशन, तो ये प्रॉब्लम हो गई। ओके, नेगेटिव सॉल्यूशन ऑफ लर्नर्स हु लैक मोटिवेशन इन क्लासरूम, प्रोवाइड एक्सट्रिंसिक रिवार्ड, रॉन्ग ऑप्शन। एक्सट्रिंसिक रिवार्ड मीन मैं आपको टॉफी दूंगा, चॉकलेट दूंगा, एक्सट्रिंसिक है, बाहर है, वो टॉफी के लिए एक्टिविटी करेगा, एक्टिविटी में आनंद आएगा, वो इंट्रिंसिक है, वो असल में है। इंक्रीज वर्कलोड, ये तो बिल्कुल नहीं है ना, ये टिक है लेकिन बेस्ट नहीं है ये अभी। अच्छा, इग्नोरिंग द इशू, बिल्कुल नहीं, कभी अच्छे टीचर ने इग्नोर नहीं करना, उसने अटेंड करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एफर्ट्स करने हैं, और एफर्ट्स रीजनिंग बेस्ड होने चाहिए। क्रिएटिंग ए सपोर्टिव एंड, ये सपोर्ट बनना है, एंड एंगेजिंग लर्निंग एनवायरमेंट, ये वाला पॉइंट ले गया, ये बेस्ट है। पहले रैंक पर ये आ रहा है, दूसरे रैंक पर ये आ रहा है, अगर ये ना होता तो ये राइट आंसर था, लेकिन मोस्टली एक्सट्रिंसिक, जैसे रिवार्ड एंड पनिशमेंट कह देते हो, ये डिस्करेज किया जाता है, ये भी रॉन्ग आंसर मोस्टली होता है। टीचर्स प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन अमंग स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, एनकरेजिंग पैसिव लिसनिंग। देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है, एक्टिव, तो यहां पर पैसिव, अगर नहीं है तो हिंदी में देख लीजिए, निष्क्रिय ये ऑप्शन में है, और यहां पर सक्रिय, जब ये इसका उल्ट हो गया तो इट मीन्स ये रॉन्ग ही होगा। अवॉइडिंग ग्रुप एक्टिविटी, आपने अवॉइड नहीं करना, अवॉइड नेगेटिव को करेंगे, ग्रुप एक्टिविटी अच्छी बात है, तो यहां नेगेटिव करेंगे तो रॉन्ग हो गया। अलाउइंग स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉग्निटिव एंगेजमेंट, के बच्चे सोच रहे हैं, क्वेश्चनिंग जरूर चाहिए, पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, ये दो बातें, डिस्कशन क्वेश्चनिंग वेरी वेरी गुड, 2, 3, 4 इसको टिक लगाए मैंने। रिस्ट्रिक्टिंग नेगेटिव है ना, स्टूडेंट इंट्रैक्शन, तो नहीं, इंट्रैक्शन को रोकना नहीं है, इंट्रैक्शन उनको करने देना है, तो ये राइट आंसर हो गया, अलाउ स्टूडेंट टू आस्क। कॉग्निटिव असेसमेंट क्या है, इज असेसमेंट कंडक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स इंस्ट्रक्शन, असेसमेंट कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द, अब ये एंड में है, ये ड्यूरिंग में है, जब दो ओपोजिट हों, दो ओपोजिट विरोधी हों, ओपोजिट ऑप्शन, अगर दो ओपोजिट ऑप्शन मिलते हैं तो उनमें राइट आंसर दोनों में होता है। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं, असेसमेंट कंडक्टेड बाय एक्सटर्नल एग्जामिनर, आप देखिए मैं अभी बताता हूँ, फॉर्मेटिव सबमिटिव दो होती हैं, उसका मतलब क्या है, एक तो है असेसमेंट कंडक्टेड बाय टीचर, पहले उसको समझ लें कि क्या है। ये मान लीजिए आपका सिलेबस यहाँ से शुरू हुआ, ये चल रहा है, 6 महीने हो गए या साल हो गया, है ना, यहाँ एंड हो गया, ये एंड है ना, तो यहाँ पर डिवीजन करें तो पार्ट बने, यहाँ, तो जब असेसमेंट यहाँ कर रहे हैं और बच्चे को एफ से फीडबैक दे रहे हैं, फीडबैक क्या है, फीडबैक है कि बच्चे ने क्या पॉजिटिव किया, जब वो काम कर रहा है क्लासरूम वर्क या कोई भी काम कर रहा है, क्या उसने एरर की, गलतियां की, तो इसको रिटेन रखना है और इसको कम करना है, तो इससे उसकी प्रोग्रेस होगी, है ना, आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो ये ऑप्शन जो मिलती है फ्लेक्सिबल है, इस एफ से याद रखना है, फीडबैक ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो एंड में इसके उल्ट होती है, सम, ये सारा सम कर दिया, ये रहा सम, सममेटिव, उसको सममेटिव कहते हैं। इट मीन्स ये हो गई ड्यूरिंग, फॉर्मेटिव जो है ड्यूरिंग, ओके, और वो हो गई एंड में। क्वेश्चन क्लियर है, यहां पर असेसमेंट कंडक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इज राइट आंसर। इज द मीनिंग ऑफ पॉप क्विज, अब क्विज तो आपको पता है, लेकिन पॉप क्विज क्या हुआ, ए क्विज ऑफ पॉपुलर कल्चर, ये मिल रहा है, यहां तो कल गाऊं कल्चर की बात होगी,
नहीं दिखाई देता। ए सरप्राइज क्विज गिवन विदाउट प्रायर नोटिस, इसको अभी क्वेश्चन मार्क में लेते हैं। ए क्विज अबाउट पॉपुलर म्यूजिक यहाँ पर आ रहा है। ए क्विज टेकन बाय ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पप्पू पप्पू आ रहा है, क्या ये ठीक होंगे? नहीं, ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है कि एक दिन क्लास में टीचर गए और एक दिन कहा हम छोटा सा क्विज लेंगे, पहले नहीं बताया, तो ये पॉप क्विज हो गया जिस पर क्वेश्चन मार्क लगाया था ये वाला। बिना किसी पूर्व सूचना के दी गई एक आश्चर्यजनक प्रश्नोत्तरी क्विज। फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ समेटिव असेसमेंट, क्वेश्चन आ गया। ये अरेंज ऐसे क्वेश्चन किए गए हैं कि आपके कंसेप्ट एक एक क्वेश्चन कम से कम पांच पांच क्वेश्चन आपके सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अच्छा, समेटिव, अब कैसे याद रखना है? ये शुरू होया और ये एफ लिखा और ये फॉर्मेटिव लिखा, फीडबैक लिखा है ना, फीडबैक हो गया, ये समझ आ गया, ये फॉर्मेटिव हो गया, ये एंड हो गया और यहाँ सम आ गया, सम टोटल है ना, टोटल में एंड में करेंगे, ये ऐसे याद करना है अंदर। तो अब होमवर्क असाइनमेंट, क्या एंड में? अच्छा, लेसन प्लान के, लेसन के तो एंड में है, थोड़ा सा क्वेश्चन इसको लगा लेते हैं, अगली ऑप्शन देते हैं। अच्छा, पॉप क्विज, अभी आप गए, आपने एकदम जो है एक कह दिया कि हम थोड़े क्वेश्चन करेंगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप उत्तर दोगे, तो ये भी बीच में हो गया, ड्यूरिंग हो गया। फाइनल एग्जाम, ये इनसे सबसे बड़ा है, सम यहां एंड फाइनल एग्जाम, ग्रुप प्रोजेक्ट ये भी बीच में ही है, सो फाइनल एग्जाम इज राइट आंसर। फॉलोइंग पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग, एक्सट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन क्या होते हैं? जो सोशल पार्टिसिपेशन जिनकी ज्यादा होती है, टॉकेटिविटी ज्यादा होते हैं, ग्रुप में बहुत एक्टिव होते हैं। अच्छा, पेशेंस, अब ये भी चाहिए, सोशली पार्टिसिपेटिव चाहिए, पेशेंस, यार क्लास में बच्चे शोर बहुत करते हैं, बच्चे ध्यान नहीं, कई बच्चों को समझ नहीं आता, तो वहां क्या चाहिए? पेशेंस, ये ज्यादा दिखाई दे रहा है अभी तक, दो टिक लगा लिए। परफेक्शनिज्म, कभी भी परफेक्शनिज्म के मैंने 100% रिजल्ट लाना है, अपनी हेल्थ खराब कर लोगे। रिजिडिटी, ये भी नेगेटिव टर्म है, ये भी नेगेटिव टर्म है, इन दोनों में से राइट आंसर होगा, तो बेस्ट जा रहा है पेशेंस। भी कठोर नहीं बनना, फ्लेक्सिबल बनना, मेंटल हेल्थ उनकी अच्छी है जो फ्लेक्सिबल रहते हैं, स्टेबल होना और फ्लेक्सिबल होना डिफरेंट बात है। वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पथी इन टीचिंग, एम्पथी और सिंपथी में फर्क है। अगर आप किसी की प्रॉब्लम को देखते हो, दया भावना आती है, दूसरी है कि आप दूसरे की प्रॉब्लम ऐसे फील करते हो जैसे वो मेरी प्रॉब्लम है और एक्शन लेते हो, वो है एम्पथी। इट हेल्प्स टीचर एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी, नहीं, इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। जब दूसरे की फीलिंग को समझोगे, जब समझना शुरू हो गया रिश्ता अच्छा, कम्युनिकेशन, कभी तो बोलना ही नहीं पड़ता, वैसे ही समझ आते हो प्यार होता क्या है, प्यार है, एक एम्पथी उसमें एक करेक्टरिस्टिक है ना, तो उसकी उस कॉस्मिक एनर्जी के बिना प्यार नहीं हो सकता, एक बात समझ लो। अगर प्यार पर क्वेश्चन पूछने हैं, पूछो, कितने पूछने हैं, जिंदगी पर पूछो, उत्तर दूंगा, पर्सनल क्वेश्चन बेशक पूछो, लेकिन प्यार को समझो, लाइफ का फंडामेंटल है। इट प्रमोट्स कॉम्पिटिशन अमंग स्टूडेंट, एम्पथी से कॉम्पिटिशन थोड़ी होगा, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा, हाँ ये कम्युनिकेशन होगा, ये यस है। इट एम्फेसाइज डिसिप्लिन ओवर अंडरस्टैंडिंग, सेंस नहीं बनी, इसको भी क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा कम्युनिकेशन करना है, आप एम्पेथेटिक बनो, है ना, मेरे पास हजारों केस क्यों है इतने, मैं काउंसलर भी हूँ, पर्सनल काउंसलिंग, एकेडमिक काउंसलिंग वो करता हूँ, इतने केसेस हैं, वो मेरे से ऐसी बातें क्यों कर लेते हैं? लड़कियां जो अपने हस्बैंड को कई बार नहीं बताती, मेरे से सब कुछ शेयर कैसे कर लेती हैं? क्योंकि एम्पथी है, आप न्यूट्रल हो, जज नहीं कर रहे, आप उनको गलत नहीं कह रहे, ऐसे जिंदगी जीनी है, वो कैसे पॉसिबल है? उस एनर्जी से पॉसिबल है। अच्छा, पनिशमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव, वन ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, पनिशमेंट नॉर्मली रॉन्ग ऑप्शन ही होता है, लेकिन यहां पर मैंने पनिशमेंट को अच्छी कौन सी होती है उस पर क्वेश्चन बनाया है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को देखते हुए। पनिशमेंट इफेक्टिव कौन सी होती है? अप्लाइड इमीडिएट आफ्टर द बिहेवियर, यस ये राइट है। पनिशमेंट से पहले प्यार जरूर चाहिए, मतलब आप जिसको प्यार करते हो उसकी को पनिशमेंट दे सकते हो, दूसरे किसी को पनिशमेंट नहीं, और पनिशमेंट के बाद फिर प्यार होगा, और जब वो एक्ट किया जाता है, साइकोलॉजी ये कहती है कि उसके इमीडिएट बाद, ये नहीं है कि आज बच्चे ने इस दिन गलती की और एक महीने बाद कहा कि बेटा आपको ये सजा दी जाती है, नहीं ऐसी नहीं। अप्लाइड रैंडमली टू कीप द इंडिविजुअल ऑन दियर टूल्स, किसी को भी उठाकर उसको सजा दे दी, ऐसे तो करना ही नहीं है, सजा तो वैसे लानी नहीं है, कोशिश करनी है। अप्लाइड इन पब्लिक, नेवर टू सर्व एज ए वार्निंग टू अदर, जैसे
कई देशों में फांसी हैंग, वो मुजरिम को सजा पब्लिकली दी जाती है ना, कभी नहीं आपने बच्चे को कभी भी क्लासरूम के सामने मतलब शर्मिंदा नहीं करना, वैसे तो पीछे भी नहीं करना, रिस्पेक्टफुली ही उससे बात करनी है। अगर पब्लिक में किया तो कई गुना हो जाएगी। अप्लाइड विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, नहीं, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। तो सारे रॉन्ग आंसर है, ये वाला राइट आंसर है। तो पनिशमेंट तक ना पहुंचो, वही एक अच्छी जिंदगी है। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी इज एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब बहुत दुचित्ती है आप में रहेगी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये तो हो गई स्टेटरी कानूनी जो बनाई गई हैं वो संस्थाएं, तो एनसीईआरटी इनमें से किसके द्वारा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, ये उसका एक डिपार्टमेंट है, तो किसको टिक लगाना है? यहाँ पर एनसीईआरटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, उसको टिक लगाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ी है। नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज इज एन इनिशिएटिव ऑफ, फिर सुन लीजिए कि ये जो है इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म का पूछा जा सकता है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, क्या है ये? राइट आंसर इज दिस। एनसीईआरटी का काम जो आर है, रिसर्च करना है। रिसर्च क्या है? नॉलेज इकट्ठी करनी है, उसको बांटना है। टेक्स्ट बुक जो है पब्लिश करते हैं एनसीईआरटी, है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेम बनाती है, ये मेन क्वेश्चन एनसीईआरटी के आते हैं। टीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल पॉलिसी। तो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन जो आपकी बीएड है, डीएलएड है, है ना, तो ये इन सर्विस टीचर एजुकेशन उसके लिए, जो टीचर ही आ गया यहाँ पर, अगर फुल फॉर्म देखनी है तो टीचर मेन शब्द है, टीचर एजुकेशन, तो यहाँ पर टीचर नहीं आ रहा, यहाँ पर टीचर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो टीचर ये वाला प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी, ये राइट आंसर हो गया एनसीटी का। द टर्म सोशलिस्ट एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? जोड़ा गया था, इसको याद रखा है, सो श, यहां पर श की ध्वनि है ना, यहां पर 76 से जोड़ लिया हिंदी में। किसी का जन्म, किसी के फादर का जन्म, या अगर यहां उससे किसी से भी जोड़ लो, बहुत ईजी हो जाता है। What does sovereignty mean in context of Indian constitution? Being dependent on the other nation? नहीं, हमने depend थोड़ी होना, हम तो स्वतंत्र, जब independence मिली है तो sovereignty तो हमें मिली है। Having complete political freedom? Yes. Being supreme authority? ये है इसकी real definition. Being ruled by monarchy? नहीं. Being governed by foreign power? बिल्कुल उल्ट है, बिल्कुल गलत है, B is right answer. ऑफ ऑडियो विजुअल एड, दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग होता है, द लेसन टू मेक, है ना, क्या करने के लिए? द लेसन बोरिंग एंड अनइंटरेस्टिंग, ऐसा काम थोड़ी करना है, ये नेगेटिव आ गया, है ना, बोरिंग भी नेगेटिव आ गया, नेगेटिव नहीं हमने क्लास में करना, इसलिए रॉन्ग हो गया। द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल, मीनिंगफुल एक्सपीरियंस, ये दोनों वर्ड यहां आते हैं, अटैक कर दो, मतलब कि आपने प्रेफर करना है इसको, राइट आंसर, रीजनिंग बाकियों के साथ कंपेयर करके। तो अभी तक मैंने बड़ा टिक लगा लिया। द लर्नर कंफर्टेबल हो जाते हैं, पॉजिटिव है, लर्नर लेजी हो जाते हैं, लेजी वाली चीज नहीं है ये, नेगेटिव, नेगेटिव ये निकाल दिए, ये पॉजिटिव है दोनों, लेकिन ये बड़ा आंसर है, ये इसको हम चूज करेंगे राइट आंसर। ऑडियो विजुअल एड क्या है? ऑडियो विजुअल एड रेडियो है, टेलीविजन है, ये अब तक की सबसे मॉडर्न जो है इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, इस पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पिक्चर दिखाऊं, मूवी दिखाऊं, इसकी डिवीजन जैसे ही ऐसे की है, तो वो पिछले में नहीं कर सकते, तो इससे थोड़ा इंटरेस्ट बनता है, मीनिंगफुल एक्सपीरियंस जो है, मॉडल बनाना है, ये बातें आएंगी। व्हाट डज आरटीई एक्ट 2009 ग्रंटी, फ्री चिल्ड्रन, कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, बोथ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, यस, फ्री, इसका फुल नाम भी यही है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो ये टीचिंग पोटेंशियल पर सीरीज है, और भी सीरीज आएंगी।
पर इसमें से कंटेंट तो आप लर्न कर रहे हो, स्ट्रेटजी साथ में कैसे लर्न करना है याद रखना है, और साथ में रिलेटेड कंसेप्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको याद रखना है, ये ज़रूर लर्न कर लीजिए। कोई भी क्वारी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, पूछ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज़।